फिल्म फेयर अवार्ड्स की दास्तानों में जरा चलेंगे सन 1979 में, जहां पर कुछ दिग्गज लेखक एक दूसरे के सामने डटे थे बेस्ट स्टोरी के अवार्ड के लिए। नॉमिनेशंस रहे दिनेश ठाकुर फॉर घर, तेरी जुल्फ कह रही है तेरी रात का फसाना, सच्ची शादी करा के मारे गए। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, एक साहब है बनवारीलाल, हमारे फ्लैट के सामने रहते हैं, उनका तकिया कलाम है। उनका तकिया छोड़ो, अपने बिस्तर की बात करो, कैसा रहा? चंद्रकांत काकोडकर फॉर मैं तुलसी तेरे आंगन की। ऐसे दिन लग गए तुझको कि ठकुराइन को बहन कहने लगी, दो ही दिन में अपनी औकात भूल गई। लक्ष्मीकांत शर्मा फॉर मुकद्दर का सिकंदर। नहीं फोरा, मैं दिल जला हूँ, सारी दुनिया जला कर खाक कर दूंगा। सलीम जावेद फॉर त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली, मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। समरेश बसु फॉर किताब। ये किस बदतमीज की हरकत है? इन सभी फिल्मों की कहानियां बहुत पसंद की गई थी, बॉक्स ऑफिस पर भी इन्होंने कमाल कर दिया था और सभी को लग रहा था कि सलीम जावेद की जोड़ी मल्टी स्टारर त्रिशूल के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड ले जाएगी, पर ये गलत साबित हुए और अवार्ड मिला दिनेश ठाकुर की लिखी कहानी घर को। इस फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए गए थे, संवाद भी और कहानी भी। दिनेश ठाकुर ने इस अवार्ड को जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। ए मिस्टर, अंग्रेजी बोलकर रौब मत झाड़िए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हम सचमुच मियां बीवी हैं। देखा नहीं आपने, यहाँ सबके सब मियां बीवी। फिल्म फेयर अवार्ड्स की और भी हैरत अंगेज दास्तानें आने वाले एपिसोड्स में।